मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अदब और तहजीब का शहर कहा जाता है। नवाबों के शहर के लोगों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन तहजीब और अदब का शहर कहे जाने वाले लखनऊ को कुछ बरसाती शहदों ने शर्मसार कर दिया है। अब लखनऊ में ना तो आपको तहजीब दिखाई देगी और ना ही आपको मुस्कुराने का दिल करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिन लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई वो हर किसी को शर्मसार कर रही हैं और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठा रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से ताज होटल के पास गोमती नगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास बारिश से जलभराव हो गया था और ये जलभराव हुड़दंगियों का अड्डा बन गया, जहां उन्होंने राह चलते लोगों से बदसलूकी की, उन पर पानी फेंका, यहां तक कि महिला से भी छेड़खानी की। लेकिन इस बीच दूर दूर तक योगी की पुलिस नजर नहीं आई, जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है। आगे हम आपको कुछ भी बताएं, उसके पहले आप भी ये वीडियो देखिए जिसने इंसानियत और शहर की इज्जत को तार तार करके रख दिया है। देखिए, तो देखा आपने कैसे ये शहदे लखनऊ को बदनाम करने में लगे हुए हैं। राह चलते लोगों से बिना डरे बदतमीजी कर रहे हैं, उन पर पानी फेंक रहे हैं। बता दें, इन हुड़दंगियों ने बाइक से जा रहे कपल से भी छेड़खानी की, कपल पर पानी फेंका, महिला के प्राइवेट पार्ट को टच किया और तब तक उन्हें परेशान किया जब तक दोनों पानी में नहीं गिर गए। ऐसा ही एक बुजुर्ग के साथ किया, हुड़दंगियों ने उनकी बाइक बारिश के पानी में धकेल दी। वहीं एक अन्य जगह हुड़दंगी आती जाती कारों पर पानी उड़ेलते हुए नजर आए, मगर अफसोस उन्हें रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। लखनऊ पुलिस भी वहां से नदारद दिखी। वहीं घटना का वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया, लोगों ने सख्त एक्शन की मांग की, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई और थाना गोमती नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा चार अलग अलग टीम बनाकर व क्राइम टीम को लगाया गया। अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, छेड़छाड़ की धाराएं बढ़ाई गई। फिलहाल वायरल वीडियो की मदद से बाकी आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है, क्राइम टीम को भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, साथ ही स्थानीय प्रभारी, निरीक्षक, चौकी इंचार्ज सहित पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि लखनऊ में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद यूपी की राजधानी पानी पानी हो गई। इतना ही नहीं, मानसून सत्र के दौरान यूपी विधानसभा में भी पानी घुस गया, विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में पानी भर गया। इससे विधायकों, नेताओं और स्टाफ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सीएम योगी को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गईं। सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दिया, घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। शहर के कई हिस्से ऐसे थे जहाँ के ऐसे ही हालात थे, लेकिन जो ये तस्वीरें आई इसकी भरपाई योगी सरकार कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।